तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं एडवांस सेक्शन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल और हम फॉर्मूले के चैप्टर में हैं। तो आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे इसका फॉर्मूला। तो इससे पहले हमने आपको इसका फॉर्मूला पढ़ाया था, बट बीच में गैप हो गई किसी कारण से आपकी, तो हम क्या करते हैं इसको शुरू से करते हैं ताकि आपका भी रिफ्रेश हो जाए। इस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेन जी ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस यूज ना करें तो बहुत सारे कंडीशंस, बहुत सारी कैलकुलेशन एक्सेल में पॉसिबल ही नहीं है। सो इस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम आज जो है इस क्लासेस को शुरू करेंगे। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं और आप देखिए कैसे हम इस कंडीशन पर आते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हमारा है, इसका फॉर्मूला काफी ज्यादा यूजफुल होता है। सर मैं एक बार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को, एक्सेल ओपन कर रहा हूं। और जी ये जैसा मैं समझते हैं कि इफ जो है सिंपल सी तीन चीजों से बना हुआ है। कंडीशन को चेक करो, कंडीशन फुलफिल हुआ है ठीक है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ यस एंड नो में उसका रिप्लाई करना होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। और काफी ज्यादा यूजफुल है। चलिए आपके साथ इसी पे एग्जांपल में लेते हैं। तो यहां हम दे रहे हैं सिंपल सा, हमने कुछ सेल्स फिगर यहां पर दे दिया। सर म्यूट कर लीजिए, आपके बैकग्राउंड का स्कोर आ रहा है। हमने कुछ फिगर ले लिए, अब मुझे जस्ट चेक करना है ये फिगर ग्रेटर देन 50 है या नहीं। जस्ट चेकआउट करना है ग्रेटर देन 50 है या नहीं। अगर ग्रेटर देन 50 है तो हमें रिजल्ट चेक करना है, ग्रेटर देन 50 तो उसको सेलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन 50 कर देंगे रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स। हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर समझाया थे, उसी तरह से यहाँ पे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर भी होता है, जैसे इक्वल ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। हम यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि मुझे जस्ट चेकआउट करना है कि भाई हाँ ये है या नहीं है, मतलब कि ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 50 है या नहीं है, जस्ट मुझे पता करना है। तो हम यहाँ पे जस्ट लगा देंगे, क्या लगा देंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लेकिन मुझे ये करना है कि अगर ग्रेटर देन 50 है तो ओके, अदरवाइज पेंडिंग। तो उस केस में हमें यहाँ फॉर्मूला देना, यहाँ पे आपको इफ देना पड़ेगा। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो हम इफ में लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं वो इसका पार्ट नहीं है। तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए कि अगर B2 हमारा जो B2 है, B2 अगर ट्रू हुआ तो ओके शो करेगा, B2 अगर फॉल्स हुआ तो पेंडिंग शो करेगा। समझे, अगर ट्रू हुआ तो ओके, अगर ओके अदरवाइज पेंडिंग शो करेगा। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसके अंदर में हम दे देते हैं इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू 50 या 40, तो यहां पे ओके हो अदरवाइज पेंडिंग हो। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमने एक लॉजिकल ऑपरेटर दिया दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इफ, ये इफ का पार्ट बिल्कुल नहीं है, ये अलग है, हमने यहां पे मर्ज किया हुआ है। इफ को यहां पे सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स चाहिए। ओके, तो इसकी अब देखिए इफ ही नहीं, कोई भी फॉर्मूला आप लगाएंगे तो सिंपल सा इक्वल प्रेस कर सकती है या प्लस से भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है। और जैसे फॉर्मूला लिखेंगे उस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहां पर आ जाएगी। जो फॉर्मूला सिलेक्ट करना है टैब से ऊपर नीचे करके आप उसे माफ कीजिएगा एरो की से ऊपर नीचे जा सकते हैं, और जैसे फॉर्मूला पे आप सिलेक्ट करेंगे उसका डेफिनेशन यहाँ आ जाएगा। आपको सामने दिख रहा है ना, चेक वेदर ए कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। सो
मुझे इस अप्लाई करना है, तो जस्ट मैं टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पे इफ लिख जाएगा और ब्रैकेट ओपन आ जाएगा और नीचे यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगी, मतलब सिंटैक्स आ जाएगा। सिंटैक्स मतलब कि इस फॉर्मूले में कितने इनपुट है और किस टाइप के इनपुट है। अब कितने इनपुट है तो पता चल रहा है कि लॉजिकल टेस्ट वन वैल्यू टू वैल्यू फॉल्स, तीन इनपुट्स है, पर टाइप क्या होता है? इसमें दो तरह के इनपुट होते हैं, पहला होता है रिक्वायर, दूसरा होता है ऑप्शनल। रिक्वायर एंड ऑप्शनल, अब कैसे आइडिया लगेगा? तो जो लॉजिकल तो आप टेस्ट देख रहे हो, एक ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है, लॉजिकल टेस्ट आपका स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है, इसका मतलब समझे? इसका मतलब है कि ए रिक्वायर है। सर आपकी आपकी आवाज कट रही है, एक मिनट, अब बेटर है? हाँ जी, हाँ जी। तो इफ हमने लॉजिकल टेस्ट दिया और हमने यहाँ पे मैं बात कर रहा था, मैं दोबारा शुरू करता हूँ। इफ हमने इफ लगाने का फॉर्मूला, चाहे कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, तो इक्वल या प्लस से लगा सकते हैं, राइट? ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला टाइप करते जाऊंगा तो उस फॉर्मूला से यहाँ पे ऑटो सजेस्ट कर देगा, ठीक है? और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इफ हमने लिखा तो यहाँ पे इफ आ गया। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट देता हूँ, ब्रैकेट दिया, समझ गए? हाँ जी, समझ गया। टैब मारते ही ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ गया, आपने टैब प्रेस करना है, ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ जाता है। अब इसमें जो इनपुट होते हैं वो इनपुट के कितने इनपुट और किस टाइप के, अब कितने इनपुट तो यहाँ सिंपल काउंट कर सकते हो, लॉजिकल टेस्ट वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कितने तरह से, मतलब क्या है? तो देखिए इनपुट दो तरह के होते हैं, पहला होता है लॉजिकल रिक्वायर और दूसरा होता है आपका ऑप्शनल। तो लॉजिकल टेस्ट जो है रिक्वायर है, कैसे पता चला? क्योंकि ए स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है, मतलब कि आप लॉजिकल टेस्ट दिए बगैर इस फॉर्मूले से बाहर नहीं आ सकते, आपको लॉजिकल टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, जैसे कि इक्वल टू 50। अब मैं वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स डू और नॉट डू, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, समझ गया? ठीक है। अगर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं देंगे तो फिर जो डिफॉल्ट रिजल्ट होता है वो डिफॉल्ट रिजल्ट आएगा। सिर्फ एक ही नहीं, हर फॉर्मूले की है। असली इसके कुछ एग्जांपल हम आपके सामने करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे नेम लिया और यहाँ पे कुछ नेम्स को रिपीट कर, नेम मैं कई बार रिपीट कर देता हूँ। अब मुझे इसमें से यूनिक को और डुप्लीकेट को अलग करना है, तो सिंपल सा सिलेक्ट करूंगा, हालांकि इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, बट इससे चाहता हूँ तो मैं कस्टम शॉर्ट पे जा रहा हूँ। माय डेटा हैज अ हेडर एंड हमने इसको नेम बाय शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने का पर्पस हुआ कि जो भी नेम होगा पहले यहाँ पे आ जाए। एक मिनट, मैं इसको सिलेक्ट पूरा से नहीं किया था, कस्टम शॉर्ट, माय डेटा हैज अ हेडर और नेम बाय मैंने शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए जो अमर है एक जगह पे आ गया, देव एक जगह पे आ गया, इंद्र एक जगह पे आ गया। अब इसके सामने सिंपल सा करता हूं मैं कि इफ अगर सामने वाली वैल्यू इक्वल है अपने ऊपर वाली वैल्यू से तो ए जी होगा, अदरवाइज यू होगा। ध्यान से देखिए फॉर्मूला, सर हमने फॉर्मूला बताया कि सामने वाली वैल्यू अगर इक्वल है अपने ऊपर वाली वैल्यू से तो डी फॉर डुप्लीकेट और यू फॉर यूनिक, और नीचे की तरफ हमने ड्रैग कर दिया। तो जैसे यहाँ पे देखिए जब ड्रैग हुआ तो जो रिजल्ट चेंज हुआ तो देख रहे ना, ठीक है, समझ गए? समझ गया। तो इस तरह से नीचे हमने इसको ड्रैग कर, मान लीजिए मुझे इसके सीक्वेंस देना है, मुझे इसमें सीक्वेंस देना है। ए आपका एग्जांपल होगा, दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरह सीक्वेंस देना चाहता हूँ।
हम क्या करेंगे, हम करेंगे इक्वल सेम कंडीशन लगाएंगे। अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाले से तो ऊपर वाले ने प्लस वन कर दीजिए, अदरवाइज वन से स्टार्ट कर दीजिए। अभी क्या हुआ कि दोनों आपस में बराबर नहीं है तो वन से स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो यहां देखिए कि दोनों आपस में बराबर है तो जहां फॉर्मूला लग रहा है वो अपने ऊपर में प्लस वन कर दे रहा है। ऐसा करने से क्या हुआ कि हर किसी के लिए हमने सीक्वेंस दे दिया, ठीक है सर। अब इसी का अपोजिट करना हो कि मुझे हर एक नंबर के लिए एक यूनिक नंबर देना है, तो यह हम करेंगे इफ अगर सामने वाली वैल्यू अगर इक्वल है अपने ऊपर वाली वैल्यू, सामने वाली वैल्यू अगर इक्वल है अपने ऊपर वाली वैल्यू से तो ऊपर वाली वैल्यू को ही शो करे, अदरवाइज ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करे। अब यहां पे देखिए अमर और नेम बराबर नहीं है तो एक चलेगा, डी वन प्लस वन मतलब कि यहां जीरो है, जीरो प्लस वन इक्वल टू वन आएगा। तो हर नेम को एक यूनिक नंबर मिल गया, बट कंडीशन क्या है कि सॉर्टेड होना चाहिए। बगैर सॉर्टेड के लिए काउंटिंग इस्तेमाल करते हैं और हम आगे क्लास में डिस्कस करें। अब इसी में आगे बढ़ते हैं कि मेरे पास यहाँ सीरियल नंबर या आईडी, मान लीजिए कि यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे नेम है और आगे भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि आईडी नंबर वन यहाँ पे हमने पूजा लिख दिया, आईडी नंबर टू यहाँ पे हमने देव लिख दिया, इस तरह से करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये आईडी जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट होनी चाहिए, समझे? समझ गया। यहां पे यहां पे हम देंगे इफ, हम बोलेंगे अगर सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है। अब यहां पे हमने ग्रेटर देन जीरो क्यों लगाया, ग्रेटर देन जीरो लगाने का पर्पस है कि एक्सेल जो है ब्लैंक सेल को, ब्लैंक सेल को क्या समझता है, उसके अंदर वो टेक्स्ट है, जीरो समझता है, नहीं ब्लैंक सेल को जीरो समझता है। अच्छा, तो अगर जीरो से बड़ा है मतलब कुछ टाइप है, कुछ टाइप है, ठीक है, तो अपने से ऊपर वाले वैल्यू को प्लस वन कर दे, अदरवाइज ब्लैंक, मतलब हमने इन्वर्टेड कॉमा के ओपन किया और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया, इसका मतलब हुआ कि ब्लैंक कुछ नहीं प्रिंट करेगा। तो क्या हुआ कि अगर नाम नहीं, इसको नीचे तक टाइप करके रख दीजिए, नाम अगर नहीं है तो पता नहीं चलेगा, इसलिए फॉर्मूला लगा हुआ है ब्लैंक दिखेगा। और जैसे यहाँ पे नाम लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा इंदर, एंटर मारा, थ्री आ गया, उदय, मोहन। लेकिन इसमें ही प्रॉब्लम है सर, जैसे मैं एक रो छोड़ के यहाँ पे मार, मैं यहाँ पे योगेश कर देता हूँ, यहाँ पे एरर आ जाएगा। अभी एरर क्यों आया, सुपर वैल्यू है ही नहीं, तो एरर क्यों आया, क्योंकि तो यहाँ अगर मान लीजिए कि हम प्लस वन करते हैं, यहाँ तो एरर नहीं आया ना, या प्लस जीरो करते हैं, प्लस कुछ भी करते हैं, ऐसा इसलिए एरर आया कि हमने यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं डबल इसमें कोटेशन मार्क में वो क्या है, ये इन्वर्टेड कॉमा में, और इन्वर्टेड कॉमा किसके लिए यूज किया जाता है, टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो इसने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, ठीक 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 ठीक, तो टेक्स्ट में हम प्लस वन नहीं कर सकते ना। ठीक हो गया, क्या सर, ठीक है, समझ गया।
तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन जो होगा, मैं यहाँ पे आईजी लगा कर दिखाता हूँ, तब हम जो है इस कंडीशन नहीं लगाएंगे, तब हम लगाएंगे इस कंडीशन लगाएंगे, बट इसमें हमें मैक्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं कि इफ अगर सामने वाली वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मैच मैच सी वन से सी वन प्लस वन अदरवाइज ब्लैंक। ध्यान रखिए सर, हमने सी वन से सी वन किया, अब नीचे ड्रैग करेंगे तो सी टू से सी टू, उसके नीचे करेंगे सी थ्री से सी थ्री होगा, तो ऐसा ना हो इसके लिए हम पहले वाले सी वन को फ्रीज कर देंगे। अब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, सी वन से सी टू, सी वन से सी थ्री, सी वन से सी फोर, मतलब जहां हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वो सिर्फ उसी के ऊपर को मैक्सिमम नंबर निकालेगा। और मैथ्स जो है टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है, इग्नोर कर दिया, समझ गया सर? हाँ जी समझ गया सर। अब सीरियल नंबर की बात हुई है तो मैं चाहता हूँ सीरियल नंबर जनरेट करना। फिफ्टीन मैं चाहता हूँ कि आई टू पे जो सीरियल नंबर होगा उतना ही सीरियल यहाँ पे जनरेट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इक्वल करते हैं इफ और हम यहाँ हम करते हैं कि अगर ऊपर वाले में प्लस वन करते हैं अगर वो ग्रेटर देन है हमारे टॉप 15 से तो यहां पे ब्लैंक आ जाए, अदरवाइज इसमें मैं प्लस वन करूं तो वन यहां पे टू दिखा दे। और नीचे ड्रैग करने से पहले हमारा आई टू को फ्रीज करना होगा क्योंकि ये फिक्स है ना। और नीचे ड्रैग करते यहाँ पे एरर आ गया, एरर आने की वही बात है जो यहाँ आया था, ब्लैंक में प्लस वन नहीं हो सकता, ब्लैंक में प्लस वन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या करें, क्योंकि यहाँ पे हमें तो चाहिए, कोई और तरीका नहीं, हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इसको इस एरर के अंदर में डाल देंगे। अब यहाँ पे एक और नया फॉर्मूला सीखिए, इस एरर फॉर्मूला क्या करता है कि इसके अंदर में आप दो इनपुट डाल सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे डाला पहला इस फॉर्मूला, अगर इस फॉर्मूला एरर देगा तो ये ब्लैंक को शो करेगा। दो होता है वैल्यू एंड वैल्यू एरर। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर, और नीचे करना है तो और नीचे कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे 20 डालूंगा तो 20 तक आएगा, मैं यहाँ पे 10 डालूंगा तो 10 तक आएगा, मैं यहाँ पे 25 डालूंगा तो 25 तक नंबर जनरेट होगा। अगर मान लीजिए यही पे मैं बॉटम करना चाहूँ कि मुझे एक स्टार्टिंग से मैं चाहता हूँ 10 टू 25 आना चाहिए, तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, जो आपने यहाँ मैनुअल वन लिख रखा है इसको आप इससे लिंक कर दीजिए। अगर डेट है तो डेट भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे एक से लेकर 10 तक का डेट चाहिए तो हमने एक डेट डाल दिया और यहाँ पे हमने 10 डेट डाल दिया और डेट को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर सर? कितन जी को डाउट इसमें? ऐसे इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो ऐसे जो है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है? तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह की एग्जाम्पल क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। कल हम बात करेंगे एडवांस इफ की, जैसे पिवट टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट था ऐसे ही आपका इफ भी काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसको प्रैक्टिस करते हुए स्लोली सीखिए, क्योंकि इससे इफ आपको सिर्फ एक्सेल ही नहीं आगे वीवीए तक पीछा नहीं तोड़ेगा सर। तो इसको अच्छे तरीके से ध्यान से
ठीक है सर।